नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुधवार को टीम इंडिया को मिली हार के बाद पूरे देश में गम का माहौल है, क्योंकि हर किसी को उम्मीद था कि वर्ल्ड कप इस बार हमारे पास होगा। जो परफॉर्मेंस टीम इंडिया की रही, नंबर वन टीम बनकर पूरे वर्ल्ड कप में रही और वर्ल्ड कप से एक कदम की दूरी पर बस हम थे, और उसके बाद इस तरीके से हार मिली हमें, तो पूरे देश में दुख का माहौल है। क्रिकेट प्रेमी खासकर ज्यादा नाराज हैं और अब ये नाराजगी सोशल मीडिया पर भी देखने को मिली है। कुछ लोग अंपायरिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी को जिस बॉल पर आउट किया गया, उस बॉल को कुछ लोग नो बॉल बता रहे हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट, जानेंगे हमारे सहयोगी आभास से। जी सिप्रा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वर्ल्ड कप 2019 का यह पहला सेमीफाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा था। जब पहले दिन टॉस हुआ तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। उसके बाद पहले दिन मात्र 46 ओवर की खेल हो सकी, लेकिन अगले दिन बारिश के कारण पहले दिन खेल रुक गई। अगले दिन जब दोबारा से मैच स्टार्ट हुआ तो न्यूजीलैंड 4 ओवर खेल के पूरे 50 ओवर में 239 रन बनाए और भारत को 240 रन का लक्ष्य दिया। शुरुआत बहुत स्लो रही, 10 रनों पे 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन धोनी और जडेजा ने पारी को संभाला और लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई थी। तभी अचानक गुप्तिल के एक थ्रो ने धोनी को आउट कर दिया, जिसके बाद टीम की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस हार को कई लोग भारतीय लोगों ने अंपायरिंग पर ठीकरा फोड़ा है कि गलत अंपायरिंग की वजह से धोनी आउट हुए हैं, जिसके बाद मैच टीम इंडिया हार गई। उनका कहना है कि 30 गज के दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी होने चाहिए, जबकि जिस गेंद पे धोनी रन आउट हुए उस गेंद पर 30 गज के दायरे के बाहर 6 खिलाड़ी खड़े थे। वहीं एक यूजर्स ने ट्विटर पर लिखा है कि क्या मैंने ही सिर्फ धोनी को आउट होते हुए देखा है? क्या 30 गज के बाहर 6 खिलाड़ी सिर्फ मैंने ही देखे हैं, या फिर ये कोई GPS का टेक्निकल प्रॉब्लम है? मैं यहाँ पे सिप्रा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि उनका कहना सही है कि ये नो बॉल होना चाहिए था, लेकिन थर्ड पावर प्ले के नियम के तहत अगर 30 गज के दायरे के बाहर अगर 6 खिलाड़ी खड़े हैं तो वो नो बॉल होगा, क्योंकि 5 खिलाड़ी खड़े होने चाहिए 30 गज के बाहर। लेकिन अगर ये नो बॉल है तो वही एक ये नियम भी कहता है कि अगर नो बॉल पे कोई भी खिलाड़ी रनआउट होता है तो वो रनआउट काउंट होता है, रनआउट गिना जाता है। लेकिन इसमें अंपायरिंग की कहीं गलती नहीं थी, तो लिहाजा ये मैच अगर धोनी आउट नो बॉल अंपायर दे भी देते तो धोनी को आउट होना ही था, और लिहाजा रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल, तो बता दें आपको कि कुछ यूजर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि 30 गज की दूरी पर से 5 क्रिकेट प्लेयर होने चाहिए थे, लेकिन 6 प्लेयर थे, तो इस मुताबिक अगर देखा जाए तो वो नो बॉल था। लेकिन एक नियम और भी है कि नो बॉल पर अगर कोई रन आउट होता है तो उस आउट को काउंट किया जाता है, अगर कैच आउट होते तो उसको नहीं माना जाता, लेकिन रन आउट हुए हैं इसीलिए धोनी को आउट करार दिया गया था। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी न्यूज़।